हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मारुति सुजुकी कंपनी में 10th पास स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनी रिक्वायरमेंट निकली है, जिसमें आप कंपनी के अंदर काम करके महीने के 15,000 रुपया सैलरी ले सकेंगे और साथ में 2 साल का ITI सर्टिफिकेट कोर्स भी कंप्लीट कर पाएंगे। कंपनी के तरफ से रहना खाना यूनिफॉर्म शूज बुक्स जैसी सभी सुविधाएँ आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि आप फ्री में ITI कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप लोगों को कहां से अप्लाई करना पड़ेगा, आप लोगों से सारा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करें फ्रेंड्स, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये MSTA का ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड्स, इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कंपनी के अंदर हमें MSTA के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म मारुति सुजुकी ट्रेनिंग एकेडमी होता है फ्रेंड्स। यहां से आप लोगों को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है फ्रेंड्स, कि आप लोग बहुत सारे ट्रेनिंग्स कंपनी के अंदर कर सकते हैं और उसके दौरान आप लोग सैलरी भी ले सकते हो और कंपनी का जो एक्सपीरियंस होता है वो भी आप लोग ले सकते हैं। तो मैं जैसे नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को बहुत सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा। आप लोग डिटेल्स में इसे पढ़ सकते हो, ठीक है? तो आप लोग डिटेल्स में देख लेना। आप लोगों को कंपनी के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया जाता है ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फ्रेंड्स। मतलब कि आप लोग अगर यहां से आप लोग ट्रेनिंग करते हैं तो आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आप लोगों को नॉलेज मिलने वाला है। कंपनी के अंदर काम कैसे करना है, कंपनी वर्क कैसे करती है, ये सारा डिटेल आप लोग जान पाओगे फ्रेंड्स। और जैसे ही आप लोग इस ट्रेनिंग को कम्प्लीट करोगे तो कंपनी के तरफ से फ्रेंड्स आप लोगों को नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलता है, जो NCVT होता है फ्रेंड्स, ठीक है? जिसमें आप लोगों को ITI का सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप लोगों को इसका अप्लाई करने के लिए आप लोगों का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो आप लोगों ने अगर 10th पास कर लिया है, आप लोगों को आगे कुछ ऑटो मोबाइल सेक्टर में आप लोगों को कुछ करना है, या फिर आप लोग ITI करना चाहते हो फ्री में, और या आप लोग अगर 10th पास के बाद आप लोग जॉब करना चाहते हो, तो आप लोग इस मारुति सुजुकी ट्रेनिंग एकेडमी में आप लोग एडमिशन ले सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को क्या क्या क्राइटेरिया है वो मैं बताने वाला हूँ। जैसे आप लोगों का जो एज है वो 18 से 20 साल होना चाहिए, ठीक है, या फिर 18 से 23 साल होना चाहिए, ठीक है ना, ये दोनों के बीच में होगा फ्रेंड्स। उसके बाद जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका मिनिमम 10th पास होने चाहिए। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस है फ्रेंड्स, आपका जो सिलेक्शन होगा वो रिटेन टेस्ट एंड इंटरव्यू के बिहाफ में होगा। जैसे आप लोग जब रिटेन टेस्ट दे दोगे, उसके बाद आप लोग जब पास कर जाओगे, उसके बाद आपका पर्सनल एक इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका कंपनी के अंदर सिलेक्शन हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद जो कोर्स ड्यूरेशन जो है फ्रेंड्स वो 2 साल का होता है। उसमें आप लोगों को क्लासरूम और आपका जो भी कंपनी के अंदर में जो काम है वो दोनों इंक्लूड होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सर्टिफिकेट में आप लोगों को NCVT के तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है, जो आपका ITI होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को फ्रेंड्स इसमें अगर अप्लाई करना है तो आप लोगों को सिंपली फ्रेंड्स अप्लाई नाउ का ये जो आप लोगों को ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल फिल करना होता है, जैसे आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका स्टेट, आपका सिटी, आपका फुल एड्रेस जहाँ पे आप लोग रहते हो। यहाँ पर सेलेक्ट कोर्स में आप लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 टाइप के कोर्स अभी अवेलेबल है मारुति सुजुकी कंपनी में। तो आप लोगों को फ्रेंड्स वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप लोगों को सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर एक मोबाइल नंबर फिल करना होगा। उसके बाद आप लोगों का एक OTP आप लोगों के मोबाइल नंबर पे आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड्स इसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, कि आपका जो भी डिटेल्स है वो मारुति सुजुकी कंपनी के HR डिपार्टमेंट में चला जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद जब भी आपका सिलेक्शन होता है तो कंपनी आपका मोबाइल नंबर पे या आपके मेल पे आपको कॉन्टैक्ट करती है। उसके बाद आपको इन्फॉर्म करती है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। आप कोई जगह का नाम बताते हैं, वहाँ पर आपका एड्रेस बताया जाता है कि यहाँ पर आप लोगों का रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को रिटर्न एग्ज़ाम देना होता है, जो कि 8th और 10th बेसिस पे आपका क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों का जो इंटरव्यू होता है वो भी 8th और 10th के बेसिस पे होता है। वो जनरल क्वेश्चन पूछते हैं HR डिपार्टमेंट वाले, ठीक है फ्रेंड्स।
इस तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है फ्रेंड्स। सिलेक्शन हो जाने के बाद 2 साल का आपका कोर्स रहता है, आप लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। काम करने के दौरान आप लोगों का मैक्सिमम 15,000 रुपया सैलरी होता है फ्रेंड्स, और उसके बाद शूज़ बुक्स वगैरह जो भी है, यूनिफॉर्म जो कंपनी फ्री में प्रोवाइड करवाती है, क्लासरूम आप लोगों को फ्री में दिया जाता है, जो खाना होता है वो फ्री में दिया जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोग कंप्लीट करने के बाद आपका ITI का सर्टिफिकेट, NCVT का सर्टिफिकेट आप लोगों को मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।